40 या 45 फाइव मतलब चालीस पैंतालीस की उम्र से घुटना दर्द होना चालू होता है अभी पहले तो साठ पे होता था अभी चालीस पैंतालीस पे चालू हो जाता है कि अभी हमने लास्ट मंथ उन्नीस साल की एक लड़की का ही रिप्लेसमेंट किया जिसकी शादी भी नहीं हुई अभी स्टीरोइड्स और घुटना जो है तो घुटना सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेता है बॉडी में और इसीलिए घुटना सबसे जल्दी खराब होता है समझिए कि अगर अभी आपको कहीं जाना है आपने घर के बाहर निकले पार्किंग में आपका बाइक है आपकी गाड़ी है बैठ गए आप पाँच कदम चले हो घर के बाहर आके बाइक पे बैठे आपके ऑफिस पहुँचे ऑफ ऑन पेपर बोल सकता हूँ कि हमारा ज़ीरो इन्फेक्शन रेट है नी रिप्लेसमेंट में हमारे हॉस्पिटल का ज़ीरो okay. इन्फेक्शन रेट है क्यों क्योंकि हम ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं कि कोरोना के बाद हिप रिप्लेसमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि कोरोना में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पेशेंट को बचाने के लिए स्टेरॉइड्स देना पड़ा है कि डॉक्टर्स को स्टीरॉइड देना पड़ा है पेशेंट्स को कि उसकी उसकी जान बचे तो अभी स्टीरोयड्स के भी साइड इफेक्ट्स हैं तो स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट्स में जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो है एवीएन कि आपका हिप का जो गोला होता है उसका ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है कई सारी आजकल दवाइयाँ मिलती हैं ऑयल मिलते हैं जिससे आपको मालिश करने से आपको घुटनों का दर्द है वो गायब हो जाएगा छुमंतर हो जाएगा और दूसरा मैं नी को लेकर ये जानना चाहता कि लोग नी रिप्लेसमेंट कराने से इतना डरते क्यों हैं? कि नी रिप्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल प्रोसीजर नहीं है हमारे लिए बहुत सिंपल प्रोसीजर है क्योंकि हमने हजारों सर्जरियाँ की है उसके लिए बहुत मेहनत की है हम पढ़े हैं उसके लिए अलग से उसके लिए फेलोशिप्स वगैरह किए हैं लेकिन अगर आप फिज आप नी रिप्लेसमेंट के लिए सही सर्जन या सही डॉक्टर या फिर सही हॉस्पिटल का उसका चयन नहीं करोगे तो ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर रवि प्रजापति मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ मेरा हॉस्पिटल अहमदाबाद में है जो 50 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है भोपाल आई एंड ट्रॉमा सेंटर करके जो अहमदाबाद के भोपाल एरिया में स्थित है और मेरा कोर जो काम है जो स्पेशलिटी है वो है नी रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी दोस्तों इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उनका स्वास्थ्य होता है और स्वास्थ्य के प्रति हर इंसान को जागरूक होना चाहिए क्योंकि हम लोग देखते हैं कि एक उम्र के बाद कई प्रकार की शारीरिक परेशानियां इंसान के जीवन में आती है लेकिन इन तमाम चीजों से बचने के लिए हम अगर पहले से ही अवेयर हो जाए तो कई सारी परेशानियों से कई सारी बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं आज मेरे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जिनसे कई सारी बातें जानेंगे कई सारी ऐसी काम की चीजें जो आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य के लिए काम आए वो भी जानेंगे और सबसे पहले हम सर का परिचय आपसे करवाते हैं सर रवि प्रजापति जी हैं अहमदाबाद से हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और स्पेशल हिप और नी रिप्लेसमेंट में अलग ही पहचान पूरे गुजरात ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी है फिलहाल ये राजस्थान है तो आज हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको सर से बातचीत करके ये समझाने की कोशिश करेंगे कि नी रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट इनके बारे में तो हम लोग सर बात करेंगे इसके अलावा कई सारी ऐसी चीज़ें कई सारी ऐसी बातें लोगों के दिमाग में चलती हैं या यूँ कहें कि एक नेगेटिव सेट हो चुके हैं कई प्रकार के उन तमाम चीज़ों को लेकर हम लोग बात करेंगे सर मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो अपना अच्छे से परिचय हमारे दर्शकों को दे दें जी बिल्कुल नमस्कार मैं डॉक्टर रवि प्रजापति मैं अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ मेरा हॉस्पिटल अहमदाबाद में है जो 50 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है भोपाल आई सी एंड ट्रामा सेंटर करके जो अहमदाबाद के भोपाल एरिया में स्थित है और मेरा कोर जो काम है जो स्पेशलिटी है वो है नी रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स इंजरी जिसमें मैं काम करता हूँ सबसे ज़्यादा और जो फ्रैक्चर होते हैं नी रिप्लेसमेंट होते हैं हिप रिप्लेसमेंट होते हैं और जो लिगामेंट इंजरी होते हैं ये आ, मेरा कोर स्पेशलिटी है हाँ हम लोग देखते हैं कि एक एज लिमिट के बाद नी रिप्लेसमेंट की कई सारी समस्याएं आती है लोग नी अपना जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो नी रिप्लेसमेंट लेकिन आज कल हम लोग देखते हैं कि एक वो जो पहले की उम्र थी अब 40 35 साल के बाद भी ये दिक्कतें आ जाती है सर ये क्यों होता है सी अगर इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा जीवन में हाँ। बहुत सिंपल सा है कि पहले हमारे पास इतने ज़्यादा व्हीकल नहीं थे आप समझिए कि अगर अभी आपको कहीं जाना है आपने घर के बाहर निकले पार्किंग में आपका बाइक है आपकी गाड़ी है बैठ गए आप पाँच कदम चले हो घर के बाहर आके बाइक पे बैठे आपके ऑफिस पहुँचे ऑफिस में भी नीचे बे, बेसमेंट है या पार्किंग है वहाँ तक आपका व्हीकल जाता है आप पाँच कदम और चलते हो और अपनी जगह बैठ जाते हो तो जो बेसिक अपना जो ह्यूमन बॉडी बना है वो चलने के लिए बना है पहाड़ चढ़ने के लिए बना है उबड़ खाबड़ जगह चलने के लिए बना है तो वो कोई चीज़ अभी हो नहीं रही है तो जो मेन चीज़ है अगर मैं बोलूँ तो वॉकिंग चलना जो कम हो गया है उसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी आ रहे हैं और जो दूसरा मेन फैक्टर है वो है खाना कि खाने में और पानी पीने में लोग बहुत ही ज़्यादा बेदरकार हो गए अगर आप बोलो प्रॉपर न्यूट्रिशन न्यूट्रीशन तो करते हैं अगर यहाँ की सीधी सी बात कि चार लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है जो अभी हम भूल जाते हैं वैसे सोचो काम में हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हम पानी पीना ही भूल जाते हैं प्रोटीन आपकी डाइट में होना बहुत जरूरी है जो अभी ऑलमोस्ट मतलब आप बोलो कि ना के बराबर हो गया हम क्या खाएंगे गेहूँ का रोटी खाएंगे आलू खाएंगे या कुछ सब्जी वगैरह खा लेंगे और पूरा दिन निकाल लेंगे तो आपके खाने में प्रोटीन ही नहीं है तो अगर आपके मसल्स अच्छे नहीं रहेंगे तो सारा स्ट्रेस आपकी हड्डियों पे पड़ेगा और घुटना जो है तो घुटना सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेता है बॉडी में और इसीलिए घुटना सबसे जल्दी खराब होता है तो अगर आप अच्छे से चलोगे रोज अगर आप मान लो कि पौना घंटा या एक घंटा चलो अच्छे से चलो ठीक है आप अच्छा प्रोटीन युक्त खाना खाओ अच्छा जो जैसे अपना दूध है दही है अपने दालें हैं मूंग है ठीक है मूंग चना ये सब बहुत प्रोटीन में रिच है बहुत अच्छा प्रोटीन रहता है इसमें अंडा आप खा सकते हो ठीक है तो ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से खाओगे एक अच्छा विटामिन सी का सोर्स रखोगे अपनी बॉडी में तो बहुत ही मतलब आप समझ लीजिए कि हमारे बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं कि जो ऑन द वर्ज होते हैं कि एक एक दीवार पे है कि अगर इस दीवार से इस साइड जाओ तो नहीं रिप्लेसमेंट है इस दीवार से इस साइड जाओ तो आपका घुटना बच जाएगा अच्छा सर कई जो होते हैं लोग वो पेशेंट होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं उनसे एडवाइस करते हो नी रिप्लेसमेंट को कहा जाता है क्या संभव है कि नी रिप्लेसमेंट के अलावा भी वैसे ही वो ये तमाम चीज़ों से सही हो जाए बिल्कुल अगर आप समझिए कि जब भी आपको पहली बार दर्द होता है आप, आप ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको पहली बार जब दर्द होता है घुटने में तो तुरंत आपको आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना है क्यों बहुत ज़रूरी है कि घुटने में गद्दी होती है लिगामेंट्स होते हैं आपका एक कार्टिलेज होता है तो ये सारी चीज़ें घिसना चालू हो उससे पहले ही अगर आप उसको बचा लो तो आप नी रिप्लेसमेंट से बिल्कुल बच सकते हो कैसे डॉक्टर से मिलिए अच्छे से एक्सरसाइज करिए फिजियोथेरापी करिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करोगे मान लो कि 40 या 45 मतलब 40-45 की उम्र से घुटना दर्द होना चालू होता है अभी पहले तो 60 पे होता था अभी 40-45 पे चालू हो जाता है तो अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज करोगे रोज़ चलोगे एक फिजिथेरापी का एक रेजिम फॉलो करोगे डॉक्टर की सलाह को मानोगे ठंडी शिकाई करोगे बर्फ़ की शिकाई या वो तो आपका घुटना बच सकता है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर घुटने को बदलना है बिल्कुल अब मेरे इसी से जुड़े दो सवाल मैं एक साथ करूंगा एक तो आ, मैं ये जानना चाहूँगा कई सारी हम लोग देखते हैं कि कई सारी आजकल दवाइयाँ मिलती हैं ऑयल मिलते हैं जिससे आपको मालिश करने से आपको घुटनों का दर्द है वो गायब हो जाएगा छुमंतर हो जाएगा और दूसरा मैं नी को लेकर यह जानना चाहता कि लोग नी रिप्लेसमेंट कराने से इतना डरते क्यों हैं उन चीज़ों को क्यों अवॉइड करना ये लोग पसंद करते देखिए पहले आपके पहले सवाल का जवाब दे दूँ तो कोई दवाई कोई ऑयल कोई मालिश मसाज वो काम नहीं करता है ऊपर से उससे आपके घुटने ख़राब होते हैं ये बहुत सिंपल सा अगर किसी को भी समझना है आप, आपके गण को तो जितने भी जॉइंट्स मतलब सांदे जो अपनी चमड़ी मतलब स्किन के नीचे है जहाँ मसल्स का कोई लेयर नहीं है नहीं। वहाँ आपको कभी मसाज करना ही नहीं चाहिए अगर आप वहाँ मसाज करोगे तो हमारी मेडिकल भाषा में आ, आप समझिए कि वहाँ एक्स्ट्रा हड्डी बनना चालू हो जाता है आप मसाज कर करके एक्स्ट्रा हड्डी को हड़ी बनाने को का काम का का हाँ तो वो आपको कभी नहीं करना है तो जितने भी मतलब ऑयल या जितने भी क्रीम्स है ट्यूब्स है मैं पर्सनली इसमें से किसी में बिलीव नहीं करता हूँ वर आप समझिए सिंपल सा लॉजिक है अगर ट्यूब से ही चीज़ें हो जाती तो ये दर्द की ट्यूब यहाँ लगा दो ठीक है सोने की ट्यूब यहाँ लगा दो हाँ तो आप पूरे दिन ट्यूब ही लगाते रहते तो ये 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 अच्छा अब सर अ, मेरा अगला सवाल जो है उसके बाद हम लोग हिप पे आएंगे, जी जी तो अगला सवाल आपका जो है कि अवॉइड क्यों इससे क्यों डरते हैं क्यों कतराते हैं कि नी रिप्लेसमेंट नहीं कर जी कि देखिए कैसा होता है कि नी रिप्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि बहुत सिंपल प्रोसीजर नहीं है हमारे लिए बहुत सिंपल प्रोसीजर है क्योंकि हमने हज़ारों सर्जरियाँ की है उसके लिए बहुत मेहनत की है हम पढ़े हैं उसके लिए अलग से उसके लिए फेलोशिप्स वगैरह किए हैं लेकिन अगर आप फिजतः आप आ, नी रिप्लेसमेंट के लिए सही आ, सर्जन या सही डॉक्टर या फिर सही हॉस्पिटल का उसका चयन नहीं करोगे तो ऐसा हो सकता है कि फेलियर फेलियर क्यों आता है नी रिप्लेसमेंट में उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं कि जैसे कि इन्फेक्शन हो जाना अगर इन्फेक्शन हो गया तो आप पेशेंट का अगर इन्फेक्शन हो गया नी रिप्लेसमेंट के बाद सबसे बड़ी दिक्कत आती है नी रिप्लेसमेंट के फेलियर होना इसी पे अपन बोलो बात जी देखिए अभी इसमें कॉन्ट्रास्ट है थोड़ा कि नी रिप्लेसमेंट ऑर्थोपेडिक्स की सबसे सक्सेसफुल सर्जरी है सबसे सक्सेसफुल अच्छा। सर्जरी तो ऐसा नहीं है कि नी रिप्लेसमेंट बहुत ईजीली फेल हो जाता है लेकिन मान लो कि इन्फेक्शन हो गया अलाइनमेंट प्रॉपर करेक्ट करेक्शन नहीं है घुटना प्रॉपर सीधा नहीं हुआ है प्रॉपर बुढ़ नहीं रहा है तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है अब इन्फेक्शन जो है तो इन्फेक्शन में बहुत सारे फैक्टर्स है दो फैक्टर तो एक होता है पेशेंट के साइड का कि आप पेशेंट हो मान लो तो आपके साइड का फैक्टर होता है कि अगर आप क्लिनलीनेस नहीं रख रहे हो ऑपरेशन के बाद ड्रेसिंग को साफ सुथरा नहीं रख रहे हो आप प्रॉपर दवाइयाँ नहीं ले रहे हो आपको पानी प्रोटीन विटामिन सी ये जो प्रॉपर न्यूट्रि न्यूट्रिएंट्स चाहिए बॉडी में रिकवरी के लिए ऑपरेशन के बाद अगर आप वो नहीं लोगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं जैसे कि मान लो कि अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर शुगर को आप कंट्रोल नहीं करोगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं दूसरा ऐसा है कि सेकेंड पार्ट आता है हॉस्पिटल के साइड का डॉक्टर्स के साइड का तो हमें बहुत बहुत केयरफुली सारी चीज़ों को मेंटेन करना होता है हमारा स्टाफ बहुत ट्रेंड होना ज़रूरी है हॉस्पिटल का स्टाफ सर्टिफाइड स्टाफ होना चाहिए उसको क्या करना है उसको पता होना चाहिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए जितने भी इम्प्लांट्स आते हैं वो ऑटोक्लेव होने चाहिए ठीक है आप डिस्पोजेबल चीज़ें यूज़ करो आप एक ही एक सामान बारी, बारी बारी यूज़ नहीं कर सकते अगर ये सारी चीजें अगर आप मेंटेन करोगे तो इन्फेक्शन नहीं होता है आप ऑलमोस्ट अगर आप, आप आप ये मान के हैरान हो जाओगे कि मैं ऑन पेपर बोल सकता हूँ कि हमारा ज़ीरो इन्फेक्शन रेट है नी रिप्लेसमेंट में हमारे हॉस्पिटल का जीरो इन्फेक्शन रेट है क्यों क्योंकि हम ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं सारे प्रोटोकॉल्स और एंटीबायोटिक का एंटीबायोटिक क्या करता है आप समझिए कि अभी ऐसा है कि एंटीबायोटिक दे देते एक महीने के लिए आप एंटीबायोटिक ले लो तो आपको इन्फेक्शन बाहर ही नहीं आएगा hmm. आपका इन्फेक्शन अंदर ही अंदर खराब होता जाएगा hmm. तो हमारा प्रोटोकॉल भी ऐसा है कि हम दो आई एंटीबायोटिक के अलावा ज़्यादा एंटीबायोटिक भी नहीं देते है. तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक प्रोटोकॉल्स है तो बेसिक प्रोटोकॉल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है सर नी पे कुछ और बातें मेरे सवाल में मन में आ रहे हैं वो और मैं पूछूंगा लेकिन उससे पहले हम लोग हिप हिप की बात करिए क्यों ये दिक्कत आ जाती है हिप प्रॉब्लम कहाँ होती है उसके बाद ही रिप्लेसमेंट करना पड़ता है देखिए अभी के सिनेरियो में ऐसा है कि कोरोना के बाद हिप रिप्लेसमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि कोरोना में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पेशेंट को बचाने के लिए स्टेरॉइड्स देना पड़ा है कि डॉक्टर्स को स्टीरॉयड देना पड़ा है पेशेंट्स को कि उसकी उसकी जान बचे तो अभी स्टीरॉयड्स के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो स्टीरोड के साइड इफेक्ट्स में जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो है एवीएन कि आपका हिप का जो गोला होता है उसका ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है कम हो जाता है तो उसकी वजह से हिप खराब होने लगता है उसका जो गोला है वो कोलेप्स होने लगता है और उसके बाद पेशेंट को चलने में पार्टी लगाने में ये सारी चीज़ों में दिक्कत आनी चालू हो जाती है और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हिप रिप्लेसमेंट के अलावा और कोई ऑप्शन बचता नहीं है अच्छा एक ये भी एक लोगों में है कि एक बार हिप रिप्लेसमेंट हो गया उसके बाद दूसरी बार नहीं होता है देखिए हिप रिप्लेसमेंट या नी रिप्लेसमेंट ये सारी जो सर्जरीज है वो ऐसी है कि एक एज के बाद ही जनरली जरूरत पड़ती है ये कोरोना की वजह से अभी यंग पेशेंट्स में एवीएन बढ़ गया है जिसकी वजह से उनको अभी बहुत यंग एज में आप समझिए कि अभी हमने लास्ट मंथ 19 साल की एक लड़की का हेप रिप्लेसमेंट किया जिसकी शादी भी नहीं हुई अभी तो अभी 19 साल की लड़की का हिप रिप्लेसमेंट्स का स्टीरोड्स आप समझिए कि इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप कोई भी दवाई ले रहे हो अभी उसका रीज़न क्या था आप नहीं मानोगे कि उसका रीजन कोरोना नहीं था कोविड नहीं था उसका रीज़न ये था कि उसने वो अपन जो जो पेपर्स में बिना नाम लिखी हुई गोलियां मिलती हैं okay. आप समझिए कि आपको बुखार आया तो आपको एक ऐसे पड़ी कि में बंद करके आपको दवाई दे देंगे आप ले लोगे तो ऐसी दवाइयाँ ली उसने जिसमें स्टीरोइड था और जो उसने काफ़ी लंबे समय तक ली और उसकी वजह से उसके हिप्स ख़राब हो गए और अनफॉर्चुनेटली वो स्टेज फोर में था तो स्टेज फोर में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है हमें हिप रिप्लेसमेंट ही करना पड़ता है लेकिन अभी नई टेक्नोलॉजीज़ जो है नए जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है उससे अगर आप स्टेज वन में हो स्टेज टू में हो अर्ली स्टेज थ्री में हो तो आप हिप रिप्लेसमेंट से बच सकते हो हम हमारा जो कोर है हमारा जो मोटिव है इतने अभी आप समझिए कि पिछले डेढ़ साल में हमने इतने ज़्यादा यंग पेशेंट्स के हिप रिप्लेसमेंट किए हैं कि हमें अभी ऐसा हो रहा है कि हम इसको कैसे बचाए hmm. बहुत, भी, भी है बहुत ये बहुत यंग एज में बहुत अच्छा सर मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि हम लोग देखते हैं कई सारे फ्रैक्चर होते हैं या फिर औरतों से जुड़े जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो रिविजन होते हैं क्या रीज़न है सर उसका देखिए जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं करोगे तो रिविजन के चांसेस बहुत ज़्यादा है और जो दूसरी एक बात है कि अगर पेशेंट को पस हो रहा है या अंदर से मवाद निकल रहा है तो पेशेंट को खुद भी समझना पड़ेगा कि ये इन्फेक्शन है ये ऐसे ठीक नहीं होगा अगर मैं आपके जितने भी दर्शक हैं मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कोई भी सर्जरी हुई है आपके अंदर कोई भी इम्प्लांट डाला है कि मान लो प्लेट है या फिर सड़िया डाला है तो और उसके बाद भगवान ना करे और आपको वहाँ से पस निकल रहा है या मवाद निकल रहा है तो आप कभी उस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाइए वहां से अंदर से वो इम्प्लांट निकालना ही पड़ेगा अगर जब तक आप महत्वपूर्ण बात कही है कि अगर इस प्रकार की चीज है तो उसको आपको अंदर इम्प्लांट उसको निकालना ही पड़ेगा जब तक आप इम्प्लांट नहीं निकालोगे तब तक वो मवाद नहीं जाएगा तब तक वो इन्फेक्शन नहीं जाएगा तो अगर आपको इन्फेक्शन को क्योर करना है ये बहुत लंबा प्रोसेस है एक बार इन्फेक्शन हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही सर्जरी में वो इन्फेक्शन क्योर हो जाएगा ऐसी भी ज़रूरत पड़ सकती है कि दो बार सर्जरी करनी पड़े तीन बार सर्जरी करनी पड़े लेकिन हाँ इन्फेक्शन को क्योर किया जा सकता है तो अगर सम, सही समय पर अगर आप डॉक्टर को अप्रोच करोगे तो आप इन्फेक्शन से बच बिल्कुल सर मेरा अब तमाम बातों के बीच आखिरी सवाल है क्योंकि आपकी बातों से काफ़ी प्रभावित हमारे दर्शक भी हैं और हम भी हैं मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर किसी पेशेंट को आपसे संपर्क करना हो आपसे मिलना हो तो कैसे कर सकते हैं देखिए मेरा महीने के हर तीसरे शनिवार को जोधपुर में ओ होता है वो सेंट पॉल स्कूल के पास में जो शास्त्री सर्कल के पास में एंडोक्राइन लेबोरेटरी है वहाँ पर मैं हर तीसरे शनिवार को ओपीडी की सेवा देता हूँ hmm. क्योंकि देखिए हमारे एक खास मित्र है डॉक्टर खुशवीर सिंह बाटी hmm. उनकी वजह से मैं यहाँ आता हूँ <laughs> वो वो हम हम काफ़ी लंबे समय से मित्र हैं और वो काफ़ी सेवाभावी है hmm. और उन्होंने उनका जो गांव है बारू बारू में भी हमने बहुत दो तीन बार कैंप किए हैं उसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया कि आप जोधपुर में ओपीडी करिए तो जोधपुर में हम महीने में एक बार हर तीसरे शनिवार को ओपीडी करते हैं जी और अहमदाबाद का एड्रेस आपने बता दिया है मैं हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे एक अपील जरूर करना चाहूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए तमाम उन लोगों तक पहुंचाए जो कई प्रकार की भ्रांतियों के शिकार हैं सर ने बहुत ही बेसिक बातें सरल भाषा में समझाया है कि इन तमाम चीज़ों को लेकर हमें क्या करना है और सर ने अपने दो एड्रेस भी बताए हैं सबसे खास बात बता दें कि इनके मित्र जो हैं खुशवीर सिंह जी और ये दोनों मिलकर के कई लोगों की जरूरतमंद लोगों की सेवा भी करते हैं और कई लोगों को ऐसे इलाज करवाया जिनके पास पैसे नहीं होते हैं तो उन लोगों के इलाज के लिए भी ये लोग जो हैं सहयोग करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद